बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। इससे पहले मैंने आपको ऑयल फ्री आम का चाट सिखाया था, आज मैं उसी तरह ही कच्चे आम से दो टाइप की मैं आपको चटनियाँ बनानी सिखाऊंगी। ये गर्मियों में बहुत मज़ा आता है, सारे खानों के साथ हम हमेशा बनाते थे। यहाँ ये ऐसा मेरे पास आम है, पाकिस्तान और इंडिया में तो बहुत अच्छे खट्टे आम मिलते हैं, तो ये मैंने एक आम लिया है। आम को छील के मैंने हाफ का ये मैंने इस तरह की रफली कटिंग कर दी है, और एक मीडियम प्याज लेकर उसको भी ऐसे रफ काट लिया है, और ये एक टीस्पून चिली पाउडर है और हाफ टी स्पून नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैं बनाने लगी हूँ मीठी। ये मैंने ग्रेट कर लिया, उसी आम का हाफ हिस्सा ये है और इसका हाफ हिस्सा ये चीनी है, और ये 4 टेबलस्पून लेमन जूस है, 2 इसमें डालूंगी, 2 चम्मच चटनी में डालूंगी। ये इसलिए डालना पड़ता है, यहाँ बहुत खट्टे आम नहीं होते तो बड़ा मज़ा आता है, फिर ये खटाई हो जाती है। चले सबसे पहले बनाते हैं चटनी। रहमानिर्रहीम, ये इसमें आम डाल दिए मैंने कटे हुए, और ये प्याज डाल दिए, साथ ही मैं नमक और ये मिर्चे डाल दूंगी, ये चिली चटनी बनाने के लिए। इसको चॉप करते हैं, इसको पेस्ट नहीं बनाना, सिर्फ चॉप करना है। चटनी पाकिस्तान या इंडिया हमारे पास वो कुंडी या दौरी होती थी, उसमें भी बन सकती है। ये इस तरह चॉप हो गई है, थोड़ा सा मैं और करूंगी, और 2 टेबलस्पून ये लेमन जूस डाल दिए मैंने इसमें। ये कच्चे आम की चटनी तैयार होगी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजे की। आप दाल चावल के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बड़ा मज़ा आता है। पराठे के साथ खाएं, आप ज़रूर बनाइएगा। मैं इसलिए बना के सिखाती हूँ कि ये चटनियों का पता चले, कि खट्टे आमों की चटनी तो आगे गर्मी आ रही है, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत है तो आप बना सकते हैं। चलिए इसके बाद अब हम बनाते हैं मीठी। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने इसको पैन को गर्म कर लिया ताकि जल्दी से बनना शुरू हो जाए। अब इसमें ये डाल दिया मैंने जो आम ग्रेट किया हुआ था हाफ वाला, और साथ ही मैं ये चीनी डाल रही हूँ, और ये जो 2 टेबलस्पून लेमन जूस है। अब मैंने इसकी फ्लेम लो कर दी है और इसको मैं 5 मिनट पकाऊंगी ऐसे। आप इसमें ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, 5 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। ये देखें व्यूअर्स, कितनी प्यारी चटनी तैयार हुई है। 1 मिनट इसको और दे के तो फिर सर्व करते हैं। ये बहुत मज़े की है, आप इसको डबल करके ज़्यादा बना सकते हैं, तो मैंने सिखाने के लिए एक काम में दोनों बना दी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितनी खूबसूरत मैंने चटनियाँ बनाई हैं। ये स्पाइसी भी है, आप मिर्चों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक मैंने आपको बताया था। ये वाली मीठी है, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप ज़्यादा बनाएं तो एक हिस्सा ले लें आप, ये ग्रेट किया हुआ आम, और हाफ ले लें चीनी। तो अगर आपको मेरी ये चटनियों की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल का बटन भी दबा दीजिए प्लीज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो को देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।